हमको भी सपना में आए हैं राम जी, हमको तो सपना में आ गया, राम जी खुद बोले हैं ये सब ढोंग कर रहा, हम उस दिन आई भी नहीं करेंगे। 22 तारीख को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर देश में खुशी का माहौल है, तो दूसरी तरफ तमाम बयानबाजियां भी लगातार जारी है। इसी बीच एक बहुत ही कहा जाए तो हैरान कर देने वाली तस्वीर निकल कर सामने आई है, ये कहें कि बयान सामने आया है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के प्रमुख लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव अपने अजीबोगरीब बयानों की वजह से चर्चा में बने हुए हैं। अब तेज प्रताप यादव ने अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि भगवान राम उनके सपने में आए थे और उनसे कहा कि वो 22 जनवरी को अयोध्या नहीं आ रहे हैं। हमको भी सपना में आए हैं राम जी, हमको तो सपना में आ गया, राम जी खुद बोले हैं ये सब ढोंग कर रहा, हम उस दिन आई भी नहीं करेंगे। भगवान राम ने कहा कि ये सब ढोंग कर रहा है, हम उस दिन आई भी नहीं करेंगे। ऐसा पहली बार नहीं है जब तेज प्रताप यादव को भगवान सपने में आए हों। इससे पहले भी वो कई मौकों पर ये दावा कर चुके हैं कि भगवान उनके सपने में आते हैं और उनसे बात करते हैं। तेज प्रताप यादव के सपने में कृष्ण भगवान से लेकर शिरडी के साईं बाबा और यूपी के कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव भी आ चुके हैं। तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से दावा किया है कि शिरडी के साईं बाबा उनके सपने में आए थे और बाबा ने उन्हें चमत्कार दिखाया। इस सपने को लेकर तेज प्रताप यादव ने दावा किया था कि उन्होंने शिरडी के साईं बाबा को याद किया और सोचा कि उनका बबूत मिल जाए। इसके बाद जब वो अपने ऑफिस गए तो उन्हें टेबल पर बबूत का पैकेट मिला। इससे पहले साल 2023 में तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर दावा किया था कि भगवान श्री कृष्ण उनके सपने में आए थे। वीडियो को शेयर करते हुए तेज प्रताप यादव ने लिखा था कि विश्व रूप दर्शन योग में मुकुट से सुभोभित चक्र और गदा से सुसज्जित शास्त्रों के साथ सर्वत्र दीप्तिमान लोक के रूप में आपके रूप को देख रहा हूँ। सपने में मुलायम सिंह से भी मिल चुके हैं तेज प्रताप यादव। इससे पहले बीते साल फरवरी महीने में तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर बताया था कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव उनके सपने में आए थे। तेज प्रताप ने कहा कि मैंने स्वप्न में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को देखा, उन्होंने मुझे गले लगा लिया और स्नेहिल आशीर्वाद दिया। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उनके दिखाए रास्ते पर आजीवन चलूं। आज मैं अपने मंत्रालय अरण भवन साइकिल से जा रहा हूं। अब एक बार फिर से तेज प्रताप यादव जो है वो सुर्खियों में बने हुए हैं। हालांकि वाकई क्या उन्हें भगवानों के दर्शन होते हैं या फिर महज लाइमलाइट में बनाए रहने के लिए ये एक स्टंट है।